emergency. दोस्तों पावर रेंजर्स हमारी लाइफ का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 20 सालों में पावर रेंजर्स की पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ी और फिर गिरी है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बंदर को अंतरिक्ष में पहुंचा के सीधा धरती पर ले आना। एसपीडी इमरजेंसी, डायनो फोर्स, मिस्टिक फोर्स, ऑपरेशन ओवरड्राइव, इन पावर रेंजर्स के शो को आखिर कौन भुला सकता है। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में पावर रेंजर्स की कल्ट फॉलोइंग हुआ करती थी। अब उस वक्त तो फेसबुक या इंस्टाग्राम भी इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह केवल पावर रेंजर्स की ही बात हो रही है। लेकिन फिर अचानक ही पावर रेंजर्स का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर रेंजर्स के डाउनफॉल का केवल एक ही आदमी जिम्मेदार है। क्या बोला तूने? वेल तो आखिर कैसे पावर रेंजर्स ने दुनिया भर के टीवीज और दिल में अपनी जगह बनाई थी और आखिर कैसे इतना पॉपुलर शो मिट्टी में मिल गया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। अब दोस्तों सबसे पहले तो एक बार आप पावर रेंजर्स की व्यूअरशिप पर नजर डालिए। पावर रेंजर्स को देखने वाले लोगों में लगातार कमी आते जा रही है। 10 साल पहले 20 लाख से ज्यादा लोग पावर रेंजर्स को देखा करते थे, वहीं आज के समय में इसकी गिनती केवल कुछ हजारों में ही रह गई है। पावर रेंजर्स जैसे सक्सेसफुली सीरीज के लिए ये बेहद ही खराब नंबर्स है। मतलब यार ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने इसे देखना ही बंद कर दिया। अब वैसे तो इसके डाउनफॉल की बहुत सारी वजह है, लेकिन मेनली 3 रीजंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहला तो ये कि निकोलोडियन चैनल, जो कि पावर रेंजर्स को मेनली डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसने पावर रेंजर्स के अच्छे तरीके से प्रमोशन नहीं की। दूसरा ये कि पहले के टाइम में पावर रेंजर सीरीज में 30, 40 या फिर कभी कभी 50 एपिसोड्स तक बनाए जाते थे। इससे स्टोरीज को बहुत ही ज्यादा डेप्थ मिलती थी, लेकिन अब हर सीजन केवल 20 एपिसोड्स का ही बनाया जाता है, जिससे लोग कुछ महीनों में ही इसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब सबसे आखिरी वजह है चैनल में बदलाव। एक वक्त था जब पावर रेंजर्स इंडिया के सबसे पॉपुलर चैनल्स डिज्नी और जेटिक्स पर आया करता था। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बचपन में हम इन्हीं चैनल्स को देखकर बड़े हुए हैं, इसलिए पावर रेंजर्स की भी व्यूअरशिप बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में पावर रेंजर्स सोनिक पर शिफ्ट हो गई है, जो कि एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं है। लेकिन पावर रेंजर्स के डाउनफॉल की असली वजह सिर्फ एक आदमी है, और वो आदमी है खुद पावर रेंजर्स का क्रिएटर हेम सबैन। वेल जी हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, इसलिए एक बार पहले इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि कैसे उसने पावर रेंजर्स को पॉपुलर बनाया था। देखो, साल 1984 में हेम सबैन जापान घूमने गए थे और वहीं पर उन्होंने एक पॉपुलर शो को देखा जिसमें सुपर हीरोज अलग अलग कलर्स के कॉस्ट्यूम्स पहनकर बुराई से लड़ रहे हैं। अब इसे देखकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसका अमेरिकन वर्जन बनाएंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने शो की फुटेज को खरीद लिया और पावर रेंजर्स के स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दिया। अब अगले 8 साल तक हेम सबैन अलग अलग नेटवर्क पर जाकर अपने पावर रेंजर्स के आइडिया को पिच करने लगे। 1993 में फाइनली उन्हें फॉक्स किड्स का चैनल मिला, जिन्होंने उनके आइडिया को सपोर्ट किया, और बस इसी डील से रिलीज हुआ पावर रेंजर्स का सबसे पहला शो, माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। अब ये शो केवल फॉक्स किड्स पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंस्टेंटली हिट हो गया। इसके बाद अगले 8 साल तक हेम सबैन पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी और ज्यादा बड़ा बनाने में लग गए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में जो चीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने कर दिखाई है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी 10 साल पहले करने के फिराक में थी। अब इस पूरे दौरान हेम सबैन और फॉक्स किड्स ने मिलकर काम करने का फैसला किया और ये प्लान बनाया कि वो वर्ल्ड वाइड अपने पावर रेंजर्स को रिलीज करेंगे। साल 2001 में फॉक्स किड्स को डिज्नी वर्ल्ड वाइड चैनल ने $3 बिलियन में खरीद लिया, और बस फिर क्या था, डिज्नी पर ऑफिशियली पावर रेंजर्स आ गया था और इसके साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी। लेकिन 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 साल 2010 में हेम सबैन ने डिज्नी चैनल से पावर रेंजर्स को एक बार फिर खरीद लिया और प्लान किया कि वो इस शो को पूरी तरह से रीबूट करके नए जनरेशन के बच्चों के लिए इसे बनाएंगे। अब इस प्लान से 2011 में रिलीज हुआ पावर रेंजर्स सामुराई। अब इस सीरीज के बाद और भी बहुत सारे शोज रिलीज हुए, जैसे कि मेगा फोर्स, डायनो चार्ज और निंजा स्टील। साल 2018 में हेम सबैन ने फाइनली पावर रेंजर्स को हास्ब्रो नाम की कंपनी को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि हेम सबैन अभी भी ये सोचते थे कि वो पावर रेंजर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। पावर रेंजर्स शो कैसे चलना चाहिए, इस बात को लेकर हेम सबैन बेहद ही स्ट्रिक्ट थे और केवल अपने मन का ही किया करते थे। दरअसल वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे कि पावर रेंजर्स को देखने वाले लोग लगातार कम हो रहे हैं,
अब एक इंटरव्यू में पावर रेंजर्स डायनो फोर्स के डायरेक्टर साइमन बेनेट ने बात की है कि वो कैसे पावर रेंजर्स को इस तरह से बनाया करते थे कि वो किड्स ऑडियंस और एडल्ट ऑडियंस दोनों को सेटिस्फाई करे। लेकिन ऐसा कुछ भी करने में हेम सेवन बिलीव नहीं करते थे। हेम सेवन पावर रेंजर्स शो के पहले कुछ एपिसोड देखते थे और एनालाइज करते थे कि ये किड्स ऑडियंस को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अब अगर उन्हें कोई भी कमी लगती थी तो वो एक पूरी लिस्ट ऑफ चेंजेस तैयार कर देते थे जो शो मेकर्स को फॉलो करनी पड़ती थी। इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हर एपिसोड का एक मोरल कोर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का लेसन सीखना चाहिए, एक इमोशनल सीन होना चाहिए, दो ग्राउंड फाइट्स होनी चाहिए, एक मेगाजॉर्ड फाइट होनी चाहिए और दो फनी कैरेक्टर्स होने ही चाहिए। अब देखो, हर एपिसोड में इतने सारे रूल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम ये है कि राइटर्स के लिए बहुत सारे क्रिएटिव दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक स्टोरी को ही रिपीट कर करके इस तरह के रूल्स फॉलो कर रहे थे। अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर हर दिन आप टीवी पर बंदर को केला खाते हुए देखेंगे तो किसी न किसी दिन तो आप बोर जरूर हो जाएंगे, है ना। पहले के टाइम में पावर रेंजर्स की सीरीज में बहुत सारे इमोशंस हुआ करते थे, उसकी ओरिजिनलिटी उभर कर ऑडियंस को दिखाई देती थी। वो जिस तरह की स्पेशल फीलिंग जनरेट करता था वो हर एक सीरीज को यूनिक बना देती थी। डायनो थंडर, मिस्टिक फोर्स, जंगल फ्यूरी, आखिर कौन इन शोज का नाम नहीं जानता होगा। अब इन सभी सीरीज में सबका अपना एक अलग अलग कैरेक्टर हुआ करता था जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और सिर्फ उसे ही देखने के लिए पावर रेंजर्स देखा करते थे। अब देखो, शो के फ्लॉप होने की एक और बड़ी वजह ये थी कि उसे फुल एक स्टोरी का ना बनाकर अलग अलग एपिसोडिक बनाना, किसी भी दो एपिसोड्स के बीच में कनेक्शन नहीं था, केवल पहले दो एपिसोड्स और आखिरी के दो एपिसोड्स ही आपस में कनेक्टेड होते थे, वरना उसके अलावा पूरा का पूरा शो अलग ही हुआ करता था। पावर रेंजर्स में कॉमेडी को इंक्लूड करना भी दोधारी तलवार की तरह ही था। सबसे पहली बात तो ये कि कॉमेडिक डायलॉग्स को लिखना बेहद ही मुश्किल है, स्पेशली उन एनवायरमेंट्स में जहां विलेंस इंसानों को खत्म कर देना चाहता है। राइटिंग में थोड़ी सी भी चूक पूरे एपिसोड को बोरिंग बना सकती है। अब एक और बात है कि हर एपिसोड में मेगाजॉर्ड्स की फाइट होती ही होती थी। अब मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे मेगाजॉर्ड फाइट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन तब भी यार हर एक एपिसोड में उसे दिखाना, मतलब हर एक चीज प्रेडिक्टेबल बन गई थी। दुश्मन के मरते ही वो बड़े रूप में आ जाएंगे और पावर रेंजर्स अपने मेगाजॉर्ड्स को ज्वाइन करके एक बार फिर उसे हरा देंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर ठीक से सोचा जाए तो और भी बहुत सी क्रिएटिव चीजें यहाँ पर की जा सकती थी। 2017 में पावर रेंजर्स ने अपनी एक मूवी भी रिलीज की थी जिसे बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बच्चों के कार्टून से भी बेकार है, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें मूवी के कैरेक्टर्स बेहद पसंद आए थे। अब मुझे लगता है कि हर किसी की अलग टेस्ट होती है। बहुत सारे लोग जब बच्चे थे तब उन्हें पावर रेंजर्स अच्छा लगता था, वहीं बड़ा होने के बाद उन्हें ये बेकार लगने लगा। वहीं आपके और मेरे जैसे कुछ लोग बड़े होने के बाद भी कभी कभार पावर रेंजर्स देख लिया करते हैं। लेकिन देखो, पावर रेंजर्स के क्रिएटर को ये बात समझनी ही होगी कि आज का जमाना बदल चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पावर रेंजर्स जल्द ही पूरी तरह से डूब जाएगा। अब आपका इस पर क्या राय है मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।